जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। शनिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 36 नए मरीज मिले हैं, जबकि KGMC लखनऊ में एक कोरोना संक्रमित मरीज 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,760 पहुंच गया है। इनमें 19,055 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 317 हो गई है। वहीं ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 388 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 3,000 से 4,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। शनिवार को मिले कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 11 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली और राजघाट में एक एक, शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में दो दो मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें पिपरौली, उरवा और गगहा में एक एक, बासगांव में दो और चरगावा में 9 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 5 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज़्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।